हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हमारी एक ट्रिप होने वाली है छोटी सी। तो अभी भाई हम लोग, हम और एक हमारा मित्र है, वो रेडी होके थोड़ा दूर से आ रहा है। तब तक हम यहाँ एकदम रेडी होके खाना वगैरह, ये देखो भाई, हम एकदम रेडी होके फिर चलते हैं। तो भाई खाना आ गया है, खाना को करते हैं फिनिश, कपड़े वगैरह पहनते हैं, फिर निकलते हैं अपने ट्रिप के लिए। भाई ट्रिप आज बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो भाई पूरी वीडियो देखना। भाई ट्रिप आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि अभी नाइट में निकलेंगे, तब सुबह मॉर्निंग में पहुंचेंगे वहाँ पे। फिर वहाँ पे सुबह वहाँ पे पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके कुछ नई नई चीज़ें दिखाएंगे। तो भाई ट्रिप होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो भाई अभी खाना आ गया, खाना को फिनिश करते हैं और पहनते हैं कपड़े, फिर निकलते हैं अपने ट्रिप के लिए। भाई तब तक आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अभी भाई खाना करते हैं फिनिश। तुम्हारा भाई एकदम रेडी है, देखो एकदम कपड़े वपड़े पहन के, भाई नया बैग ले लिया, ये देखो इसे लेके एकदम रेडी है। आप निकल रहे घर से, भाई देखो 8 बजने वाला है, अभी निकल रहे, भाई 10 बजे की अपनी ट्रेन है। तो निकलते हैं, मिलते हैं आपको स्टेशन पे सीधा, क्योंकि रात थोड़ी सी ज़्यादा है तो बीच का व्यू कुछ नहीं मिलेगा। तो सीधे मिलते हैं आपको सीधा स्टेशन पर। चलो चलते हैं, लेट्स गो। दोस्तों हम जिन भाई का वेट कर रहे थे वो भाई आ गए हैं। अबे भाई हमारे साथ जाने वाले हैं, तो अभी कहाँ जाने वाले हैं वो तो आपको पहुँच के ही बताएंगे। तो अभी स्टेशन से टिकट ले ली है। तो दोस्तों हम लोग घर से आ गए थे, स्टेशन लगभग हो गया है 20-25 मिनट। तो भाई वेट कर रहे थे, अभय भाई का, अभय भाई भी आ गए हैं और भाई टिकट भी ले ली है। तो अभी मैं इस समय स्टेशन पे हूँ, और कहाँ जाने वाला हूँ आपको पता चलेगा पूरा वीडियो देखने के बाद, या फिर आपको थंबनेल में पता चल जाएगा। तो भाई अभी टिकट वगैरह ले लिया, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वेट करते हैं। 10 बजे की ट्रेन है और भाई अभी लगभग 50 हो गया है, 50 हो गया है। तो भाई अभी थोड़ा सा 10 मिनट का वेट करते हैं, देखो आने ही वाली है ट्रेन, तब तक पहुंचते हैं अपना। जैसे अब भाई बीच में खड़ा हूँ, भाई देखो इधर, अब बीच में खड़ा हूँ तो वहाँ नीचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन का वेट करते हैं थोड़ा सा और, फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपका पूरा सफ़र। तो ये रहा देखो गोरखपुर का जंक्शन का नज़ारा, और भाई इस साइड से ये देखो, ये पूरा गोरखपुर का जंक्शन का नज़ारा है, और इस साइड का देखो इधर 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 इधर, ये देखो योगी आदित्यनाथ की नगरी में गोरखपुर का ये जंक्शन का नज़ारा है, पूरा वहाँ तक फैला हुआ है। काफ़ी अच्छी सुरक्षा है यहाँ पे, है गोरखपुर जंक्शन का नज़ारा। ये देखो मैं बैक साइड से निकल आया था, तो अब जस्ट सामने की ओर पहुंच रहा हूँ। भाई एकदम कमाल का नज़ारा है गोरखपुर जंक्शन का। भाई ये देखो हमारे भाई टहलते टहलते एकदम जा रहे हैं। तो अभी वहाँ से ऑटो वगैरह लेते और जो मुझे काम है वो पूरा एकदम काम निपटाते हैं भाई एकदम। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो मेन जंक्शन का मेन गेट है, ये देखो बैक साइड में, यहाँ मैं आ गया हूँ। तो भाई अपने एक जो साथ में मित्र हैं उनसे थोड़ा प्रयास करते हैं जानने का कि अपने जंक्शन से और इस जंक्शन में क्या अंतर है, कितनी सारी इसमें फैसिलिटी है, वो सारी चीज़ जानते हैं अपने मित्र से, बताइए जी। तो मैं आपको बताऊं कि जो मुझे यहाँ पे ख़ास तौर पे देखने को मिला, अमूमन हर स्टेशनों पर नहीं देखने को मिलता है, वो ये है कि गोरखपुर स्टेशन पर जो साफ सफाई है काफ़ी एकदम अच्छी तरीके से, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाता है, चाहे वो इन में हो या आउट में हो, प्लेटफॉर्म पे आपको हो सके प्लेटफॉर्म पर, या फिर आपको प्लेटफॉर्म से बाहर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं हम लोग अभी प्लेटफॉर्म से बाहर हैं, बाहर ये बिल्डिंगें देख सकते हैं, गोरखपुर जंक्शन लिखा हुआ है। और सफाई के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सफाई के साथ में यहाँ पे सेफ्टी का विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान, हर जगह आपको सुरक्षा गार्ड मिल जाएंगे,
और ऐसा भी नहीं है कि अदर स्टेशनों पर यह देखने को मिलता है कि टीटी परेशान भी करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। तो इस चीज़ को देख करके काफ़ी खुशी हुई कि किसी तरीके का कोई ऐसा हरासमेंट नहीं है कि आपको कोई परेशान करे, बहुत अच्छा लगता है। और नज़ारा भी काफ़ी अच्छा है, मैं बोलूँगा भाई से कि दिखाएँ, स्टेशन के बाहर ही देखिए ट्रेन का एक इंजन, मनोरंजन के लिए जो भी लोग आए देखने के लिए। और पुराना वाला इंजन जो कि आप लोगों को पता है कोयले से चलने, भाप से चलने वाला इंजन, वहाँ पर भी एक लगा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ देख करके। और हम लोग अब फिलहाल यही देख रहे हैं और घूम रहे हैं, यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, जो कि हमारे इटावा साइड में नहीं देखने को मिलता है। एक सेकंड, तो अब दोस्तों जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे आपको जस्ट सामने ही होटल मिल जाएगा, और बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अगर घूमने आते हैं कुछ जगह और आपको रुकना होता है तो आप बहुत सारे होटल है। देखो आप जैसे ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, चाहे वो गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 6 तक 6 हाँ। गेट हैं आपको बता दें, क्योंकि रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है गोरखपुर। और जैसे ही किसी भी गेट से आप बाहर की तरफ आते हैं तो आपको लाइन से बड़ी बड़ी होटलें मिल जाएंगी, जहाँ पे बड़ी चीज़ ये है कि होटलें बड़ी बड़ी हैं, सुविधाएं भी हैं उनमें, लेकिन जो उनका रेंट है ना, ना के बराबर है। 300 350 हाईएस्ट आपको 400 में अच्छा रूम मिल जाएगा। और मैं बोलूँगा भाई से कि एक बार दिखा दें, देखिए होटलों का काफ़ी अच्छे होटल हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं लेकिन सुविधाएँ भी हैं उनमें, लेकिन रेंट ना के बराबर है, तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है।